नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि ललितपुर जिले के कचहरी परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व से संबंधित मामले छाए रहे। दिखिए ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूजा कश्यप की रिपोर्ट। हमारे पास आज काफ़ी संख्या में किसान हमारे पास आए और यहाँ पर खासकर हमारी मंडी शाखा में लगभग हमारे पास 30 केस जो हैं जिनका हमने समाधान किया है, यहाँ पर सेटलमेंट हुआ है। बाकी पूरी जो हमारी स्टेट बैंक की ललितपुर शाखाएँ सारी हैं उनको मिला के लगभग 60 केसेज हैं जो जिनका समाधान हुआ है और बहुत सारे केसेज हैं। समस्या क्या रही? समस्या तो यहाँ पर वसूली की होती है। हमारे पास जो लोन खाते हैं उनमें लोग अपने ऋण का समाधान करते हैं, ऋण में रिकवरी का समस्या रहती है, तो आज के दिन लोक अदालत में आके वो कुछ आपस में समझौता होता है बैंक और जो प्रतिवादी उनके लिए समझौता है। हाँ बिल्कुल, लोग सारे किसान क्रेडिट कार्ड ही, ज़्यादातर किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो लगभग 95% किसान क्रेडिट कार्ड ही होते हैं जो लोक अदालत में जिनका निपटारा होता है। कितने मामले आपके लगे थे, कितने लोगों को देखिए, खासकर हम अपनी मंडी शाखा का बताएंगे तो हमारे 1200 मामलों में हमने नोटिस दिया था, जिनमें हमारे पास जो कुल मिला के 30 खाते जो हैं हम आज निपटारा जिनका हो रहा है। और लेकिन यह है कि कई सारे किसान यहाँ पे आके पूछ अपनी इंक्वायरी भी कर जाते हैं, उनको एक मंच मिल जाता है तो आके पूछ जाते हैं और फिर बाद में भी वो समाधान के लिए आते रहते हैं। 1200 खातों का अनुमानित मूल और ब्याज वाला की राशि कितनी होती है? लगभग 5 करोड़ के करीब ये अमाउंट। आज आपका यहाँ पे जो मामला था, क्या मामला था? जिस किसान कार्ड था मेरे दादाजी के नाम से, अब किसान कार्ड में 3 साल से भर नहीं पाया, इस चक्कर में ब्याज हो गया था ज़्यादा। अब लोक अदालत के माध्यम से उसमें ब्याज वगैरह छूट के आज उस खाते को सेटलमेंट करके बंद कर दिया गया है। इससे आपको कैसा महसूस कर रहा है? इससे काफ़ी रिलीफ है, जो कि 4 लाख के ऊपर अमाउंट हो रहा था जो, वो आज 3,80,000 रुपये, मतलब लगभग 60,000 रुपये हमको उससे बेनिफिट मिल गया है। तो जो अदर ज़्यादा ब्याजेस वगैरह